द एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जुलाई के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 25 जुलाई को सिंह राशि में बुध का भ्रमण होगा। शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 जुलाई से 4 सितंबर तक शुक्र वक्र अवस्था में आएंगे। मंगल जो है वो 1 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, और यहां पर सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि मंगल इस महीने की शुरुआत से ही आपके द्वितीय स्थान में चले जाएंगे और ये जो नीचस्थ मंगल की अवस्था है उससे आप मुक्त होंगे। तो एक तरह से मैं कहूं कि बहुत रिलीफ होगा। और साथ साथ में यहां पर 17 तारीख के बाद जैसे ही कर्क राशि के अंदर सूर्य का भ्रमण होता है, ये एक तरह से आपके लिए, मुझे लगता है, सेकेंड लॉर्ड का लग्न में होना तो एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, जो कार्य नहीं बन रहे थे वो बनेंगे, और एक स्ट्रेस था उसमें काफी कमी होगी। बट ये है कि जब सूर्य लग्न में आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा अपनी वाणी के अंदर ईगोइस्टिक हो जाता है। गवर्नमेंट कनेक्टेड कोई भी कार्य है उसमें आपको काफी सफलता मिलने के योग बनते हैं। यहां पर एक बुध का भ्रमण आपके लग्न में है जो 25 तारीख तक रहेगा। तो ये जो 8 से 25 के बीच का समय है जहां पर बुध लग्न में होंगे, तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा खर्चीले स्वभाव की तरफ आपको लेकर जाएंगे। तो वहां पर आप डेफिनेटली अपनी एक्सपेंसेस को प्लान करके चलिएगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, शुक्र और मंगल जो है यहां पर सेकंड हाउस में है और द्वितीयेश जो है वो सूर्य बनकर पहले तो आपके मुख्य रूप से देखा जाए 12वें घर में और उसके बाद 17 तारीख से आपके लग्न में आएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में मैंने देखा है कि सबसे पहले देखा जाए तो 17 तारीख तक का समय ऐसा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करने चाहिए। और साथ साथ में मुझे लगता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस अपने मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने पड़े, आपके फैमिली के पीछे या कुछ भी इस प्रकार के खर्चे मुझे नजर आते हैं, तो 16 तारीख तक तो आपको अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि जो आपकी सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं खर्च हो सकती है। शुक्र मंगल का यहां पर होना, देखिए शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। लाइक आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है, प्लस फैमिली के अंदर आपको हेरिडिटी की कोई भी इनकम होनी है तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता देता है। मगर शुक्र मंगल वाणी भाव में है तो थोड़ा वाणी के अंदर ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि ऐसी लैंग्वेज यूज करने पर मजबूर कर देता है कि जहां पर सामने वाले को अपनी मिस्टेक बताना, साथ साथ में चीजों को लेकर छोटी छोटी चीजों में क्लैश करना, और वो फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा रहता है। बाकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ वाणी आपको काफी अच्छा सपोर्ट दे रही है कि जहां पर आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। और परिवार की बात की जाए तो परिवार के अंदर डेफिनेटली इस महीने शुक्र मंगल का जो ये योग बन रहा है 8 तारीख के बाद, तो वहां पर आपको परिवार में बहुत शांति से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। कहीं पर भी अपने अग्रेशन को हावी मत होने दीजिएगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर पहले 12th हाउस में, फिर लग्न में और फिर द्वितीय स्थान में। तो ये बुध का जो भ्रमण है कंटिन्यूअस बेस पर देखा जाए तो शुरुआत के अंदर मुझे लगता है कि आपके ट्रैवलिंग के पीछे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। साथ साथ में एक तरह से देखा जाए कि हम कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियों से मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। अभी जहां पर भी है वहीं पर स्थित रहना चाहिए, मगर उसके लिए आपको ट्रैवल डेफिनेटली करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग मुझे काफी अच्छी नजर आती है, और जहां पे भी आप काम करते हैं वहां तुम्हें बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा और काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होंगे,
कि जहां पर आपको नई नई चीजें सीखने का भी मौका मिलेगा। टेक्निकली काफी अच्छा समय कहूंगी मैं। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि हो सके वहां तक अभी कार्यस्थल में चांडाल योग बन रहा है तो बहुत ज्यादा जॉब चेंज की तरफ न जाए तो अच्छा है, मगर सोर्स ऑफ इनकम में काफी वृद्धि होती मुझे नजर आती है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, फोर्थ लॉर्ड आपके अष्टम जो कहते हैं ना कि 7 तारीख से शुक्र चतुर्थेश बनकर आपके द्वितीय स्थान में मंगल के साथ है, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। ये जरूर है कि आप घर चेंज करने की प्रक्रिया की तरफ है तो वहां आपके स्थान परिवर्तन का योग बनता है। हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी बातचीत हो रही है तो वहां पर आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा फायदा होता हुआ मुझे नजर आता है। माता के साथ थोड़े संबंधों में क्लैशेस होंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने बेचने के लिए मुझे लगता है इस समय बहुत अच्छा है। गुरु की पूर्ण दृष्टि होने की वजह से आपको बहुत फायदा होगा। आप कोई भी कार्य करते हैं और स्पेशली जो प्रॉपर्टी लेने और बेचने का कार्य कर रहे हैं उन लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे और उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश मंगल बनकर आपके द्वितीय स्थान में है, ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये जो भी इन्वेस्टमेंट होंगी शेयर मार्केट के अंदर वो आपको अब मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली काफी अच्छा फायदा होता हुआ मुझे नजर आता है और जैसे शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है तो शेयर मार्केट में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और यहाँ इस महीने काफी अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स को करियर में मुझे लगता है कोई भी रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं और वहां पर आपके करियर में भटकाव ना हो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाकी जो भी टेक्निकल लाइन वाले और स्पेशली जो भी इंजीनियरिंग के फील्ड में है, जो आईटी इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आर्किटेक्चर में उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स जो वाणी संबंधित कार्य करते हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होते हैं और मुझे लगता है सेकेंड हाउस में रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे फाइनेंशियली, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। तो ये स्थिति के अंदर जैसे ही मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपके लिए पड़ना शुरू होगी तो स्टूडेंट्स और मेडिकल के स्टूडेंट के अंदर भी बहुत फायदा मुझे नजर आता है और यहाँ आपके काफी इम्प्रूवमेंट भी रहेगा। पर जो भी लोग, मुझे लगता है ये महीना काफी रिलेशनशिप से घिरा रहेगा क्योंकि यहाँ पांचवें घर और 11th हाउस, दोनों 5th हाउस एंड 11th हाउस की एक युति है द्वितीय स्थान में, तो ये रिलेशनशिप को काफी सेंटर में रख के चलते हैं। उनकी लाइफ में काम को वो सेकंड स्थान पे रखते हैं। पहले इस महीना पूरा रिलेशनशिप को लेकर आप काफी सीरियस रहेंगे, उसमें आगे बढ़ने के लिए आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहेंगे और इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। पर मुझे लगता है कि यहाँ रिलेशनशिप में शुक्र मंगल की अवस्था को देखते हुए क्लैश नजर आता है, तो बहुत शांति से चीजों को हैंडल कीजिएगा। बच्चों के साथ संबंधों में यहाँ पर मुझे लगता है कि शुक्र मंगल की युति है तो यहाँ विचारों में काफी मतभेद रहेंगे। ये कोई झगड़ा नहीं कहूंगी पर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज काफी डिफरेंट रहेंगे, इसको लेकर आपको बहसबाजी की परिस्थिति क्रिएट होती है। पर मुझे लगता है कि उनको सेल्फ इंडिपेंडेंटली उनका कार्य करने दीजिएगा तो उसमें आपको ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी गुरु बनकर राहु के साथ है, गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से 6th हाउस में है। कोई भी लोन लेने की प्रक्रिया है तो वहां पर गुरु डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और आप उसमें आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप प्रॉपरली अपने रिस्क को किस प्रकार से रखा जाए। और अब मुझे लगता है कार्यस्थल में इन्वेस्टमेंट में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर आसपास के जो एनवायरनमेंट में इतना फ्रेंडली आपको जल्दी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ अभी भी मुझे लगता है कि जो आप जहाँ पर भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर जिस प्रकार से आपको लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए या कार्य को जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर अभी भी एक संघर्ष की परिस्थिति रहेगी। लोगों के साथ एक कहते ना कि आपके सामने कुछ बोलते हैं और पीछे से आपके कोई अलग कार्य चल रहा है, तो बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि यहाँ उन्नति का योग बनता है कि जहाँ पे गुरु की परिस्थिति और गुरु का
सिक्स हाउस को देखना एक तरह से आपके लिए बहुत बेटरमेंट की परिस्थिति है। राहु के साथ गुरु है, इस वजह से किसी पर भी विश्वास आपको जल्दी नहीं रखना चाहिए, 2 से 3 दिन की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए। यहां एक स्वास्थ्य की बात की जाए तो जो लोग थायराइड संबंधित रोग से पीड़ित हैं उनके लिए ये महीना बहुत ज्यादा सतर्क रहने का, और साथ साथ में यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि अष्टम पे भी पड़ती है और साथ में जिस प्रकार का पोजिशनिंग है तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है वहां पर भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ जो दूसरे प्लैनेटरी पोजिशन भी देखे जाते हैं, सिक्स लॉर्ड की जो राहु के साथ पोजिशनिंग है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए हेल्थ होना चाहिए। यहाँ पर स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इनडाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां आपको सतर्क रहना चाहिए। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं, जब सप्तमेश अष्टम भाव में है वक्र अवस्था में, तो जब सातवें घर का स्वामी वक्री अवस्था में है और यहां पर मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप को अगर नेक्स्ट लेवल पर आप ले जाना चाहते हैं तो वहां काफी प्रॉब्लम्स आएगी, दोनों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग जल्दी बैठ नहीं पाएगी। और वक्र अवस्था का शनि जब अष्टम भाव में सप्तमेश होकर जाता है तो आई थिंक ये जब भी पति पत्नी के ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में पति पत्नी है तो वहां पर संबंधों में क्लैश करवाता है। और एक चीज बहुत अच्छी है कि शुक्र की दृष्टि होने की वजह से वो एक तरह से आपका एक प्रेम तो रहेगा मगर वहां पर दोनों के ईगो क्लैश काफी होंगे और अष्टम भाव इतना अच्छा माना नहीं जाता। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए तो मैं अभी कोई भी प्रकार के पार्टनरशिप को अवॉइड करने का ही एडवाइस दूंगी, क्योंकि वक्र अवस्था का शनि है और वो भी सप्तमेश बनकर अष्टम में गया है तो वो इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। और मुझे लगता है अगर सिंगल हैंडेडली कोई भी काम करते हैं तो वहां आपको रिजल्ट मिलेंगे ग्रेजुअली, और यहाँ थोड़ा संघर्ष की परिस्थिति कार्यस्थल में डेफिनेटली है क्योंकि एक तरह से लग्न में से शुक्र मंगल निकल चुके हैं तो ये एक आपको एक स्थायित्व देगा, आपके अंदर जो अग्रेशन था उसमें कंट्रोल आएगा। मगर शनि की जो वक्र अवस्था सेवेंथ हाउस में है तो कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसको अभी अवॉइड करना चाहिए और जो कार्य कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इनकेस अकेले भी करना है तो वो कार्य में आपको संघर्ष रहेगा, पार्टनरशिप को आपको अवॉइड करना है। और पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है भी बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि मंगल का बाद में भी दृष्टि संबंध यहां पर रहेगा। और एक अच्छी चीज ये है कि मंगल अभी लग्न में से निकल चुके हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अब पीसफुली चीजों को समझा पाओगे तो वहां एक पॉजिटिव नोट डेफिनेटली है। मगर फिर भी अष्टम के अंदर वक्र अवस्था में होता है शनि तो वहां क्लैशेस की परिस्थिति बनती है तो वहां थोड़ा शांति से चीजों को हैंडल करना है। अष्टम भाव में शनि का वक्र अवस्था में होना और साथ में शुक्र मंगल की परिस्थिति है तो अगर कोई भी प्रकार का आपको हेल्थ इश्यू है तो इस महीने बिल्कुल आपको उसको लाइटली नहीं लेना। अगर कोई भी इंफेक्शन होता है, यूरिन इंफेक्शन की परिस्थिति है, इस प्रकार की परिस्थितियों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको चीजों को जो भी आपकी हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा अवॉइड करके फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहां मुझे लगता है कि वक्र अवस्था का शनि आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्याएं देगा, मानसिक परिस्थितियों से आप परेशान रहेंगे मेंटली, जो आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, इस प्रकार की मानसिक परेशानी हो सकती है। हिडन रिलेशनशिप से आप परेशान हो सकते हैं, आपका कोई रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है अब वो उस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई इवन कोई प्रकार की ऐसा ब्रेकअप की परिस्थिति है तो वो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर सकती है तो वहां आपको पीसफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर एक टेम्पररी फेज है और शनि अष्टम में वक्र अवस्था में कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखा, मगर आप रिसर्च में हैं, अगर आप जैसे कोई रिसर्च का काम करते हैं, मेडिसिन रिसर्च का काम करते हैं, आप कोई मंत्र साधना करते हैं, तो यहां पर शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश आपके 10th हाउस में राहु के साथ है। यहां पर क्या होता है कि फादर के बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट जरूर है मगर एक डोमिनेटिंग अप्रोच रहेगा तो पिता के जो भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उन लोगों के साथ दोनों के कार्य करने की पद्धति डिफरेंट रहेगी मगर भाग्य कर्म से जुड़ा हुआ है पूर्ण रूप से
और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको जो भी आप काम करते हैं उस तरह का ही ग्रेजुअल रिजल्ट आपको मिलेगा। तो भाग्य का सपोर्ट डेफिनेटली आपके साथ है, मगर थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ेगी क्योंकि यहाँ शनि की भी दृष्टि है जो नीचस्थ शनि है और वक्रवस्था का है। तो कार्यस्थल में कंटिन्यूअस बेस पर आपको लगेगा कि कुछ बदलाव करना चाहिए, चीजों को छोड़कर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर मुझे लगता है ये समय इतना योग्य नहीं है कि जहां पर बहुत बड़े चेंजेस करने चाहिए, जो है उसमें ही स्थित रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्योंकि इस महीने 10th हाउस की पोजीशनिंग जब देखते हैं तो 10th लॉर्ड जो है वो मंगल बनकर अब आपके सेकेंड हाउस में है, तो आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप वहीं पर कार्य करते हैं तो। और थोड़ा ऑपोजिशन के अंदर भी स्ट्रगलिंग फेज रहेगा जहां पर आप काम करते हैं, मगर वहां पर भी इस फेज के साथ भी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, मगर गुरु के सपोर्ट की वजह से आपके काम में बैलेंस रहेगा। तो कहीं पर भी जॉब छोड़ने की प्रक्रिया और इस प्रकार के कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, आप जहां है वहीं स्थित रहे। और इस महीने मुझे लगता है कि मंगल का प्लेसमेंट देखते हुए आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छे लाभ हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यही है कि कार्यस्थल में यहाँ राहु है तो बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजंस इस महीने नहीं लेने चाहिए। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। देखिए 11th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की युति सेकंड हाउस में जो फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी दूसरे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में गुरु का जो 10th हाउस में भ्रमण है वो भी आपको सपोर्ट करेगा पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का समय है डेफिनेटली। और इस समय के अंदर पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिएगा, बाकी अगर सिंगल हैंड अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में भी हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत क्लियर रखिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शुरुआती दौर में बुध है और सूर्य यहां पर स्थित है। सूर्य का भ्रमण होने के बाद मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको खर्च के अंदर नियंत्रण आएगा, तो 16 तारीख तक अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको। 16 तारीख के बाद लग्न के अंदर जो सूर्य आते हैं वो आपके आत्मविश्वास के अंदर भी वृद्धि करेंगे और यहां एक्सपेंसेस में काफी कंट्रोल आएगा। साथ साथ में एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि विदेश संबंधित कार्य या कोई भी प्रकार का ट्रैवलिंग के पीछे भी खर्चा हो सकता है। जो भी लोग लीगल किसी केस में फंसे हुए हैं, लाइक मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया, तो वहां बहुत शांति बना के आगे बढ़िएगा 16 तारीख तक, उसके बाद परिस्थितियां पहले से बेहतर है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।